हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं बता रहा हूँ कि जो मोकअप होता है क्या होता है और कैसे बनाते हैं। ये देखिए, ये सब मोकअप है। मोकअप का मतलब होता है, अगर जैसे हमारा जो बिजनेस कार्ड है, कोई भी ग्राफिक डिजाइन है, इसमें अगर हम डालते हैं तो ऐसा फील होता है जैसे कि हम लाइव देख रहे हैं। थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में, जैसे लग रहा है हाथ में हमने पकड़ रखा है बिजनेस कार्ड। ये देखिए, 3D लुक में फील आ रहा है। तो ये सब ये मोकअप है। इसमें क्या होता है, केवल आप JPG इसमें डालेंगे, फ्लैट JPG जो होता है, फिर ये 3D लुक में आपका आ जाएगा। जैसे मैं आपको एक लाइव करके किसी में दिखाऊंगा, फिर कैसे ये बनता है ये भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। कोई भी सिंपल मोकअप, जैसे मान लीजिए मैंने ये वाला हमने ले लिया। हमारे पास बहुत सारे मोकअप है। ये अगर मोकअप आपको चाहिए तो मैं एक ये freegraphic.in जो साइट है, इसमें मैं डालूंगा अभी कुछ दिन में। वहाँ से आप इसकी PhD फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे काम करता है और ये कैसे बनता है। जैसे मान लीजिए यही है, ये एक मोकअप है। अब इसमें क्या होगा कि फ्लैट हम बिजनेस कार्ड डालेंगे और ये ऐसा 3D लुक में आ जाएगा। अब बिजनेस कार्ड जैसे मान लीजिए हमारे पास ये डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, ये है, और इसको उसमें मैं डालूँगा। अब इसमें ये दो फाइल है, यहाँ पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना हुआ है। तो ये आप इस पर हाइड बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं कि फ्रंट कौन है, बैक कौन है, या किसी किसी पर लिखा भी होता है फ्रंट बैक। तो ये ऊपर का फ्रंट है, तो इस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका ये फाइल खुल जाएगी। इस पर क्या करेंगे, आपकी जो फाइल है जो इसमें डालनी है वो इसमें लाइए। जैसे मैंने ये ला दिया, अब इसको एडजस्ट कर लीजिए। अगर साइज़ बड़ा छोटा है तो इसको फिट कर लो। फिर इसको आपको यहाँ पर क्या करना है, मर्ज करके लेयर को, और इसको फाइल को बंद करना है, इसको यस कर देना है। तो यहाँ पर देखिए अपने आप ये रिप्लेस हो जाएगा। इस तरीके से बैक पे है तो डबल क्लिक करेंगे, फिर इसमें आप इसकी बैक को, बैक डिज़ाइन लेके आइए, इसको लाइए, और यहाँ से आप उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दो, फिर इसको फाइल को सेव करके यहाँ पे बंद कर दो। ये बंद हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, फ्रंट बैक बिजनेस कार्ड आपका बन गया। अब इसको हम JPG बनाएंगे तो क्या होगा, कितना अच्छा देखने में आपको लग जाए। देखिए, ये मैंने इसका डिज़ाइन को डेस्कटॉप पे बना लिया। ये देखिए, वही सिंपल बिजनेस कार्ड, ये 3D लुक में आ गया। इसको हम आप क्लाइंट को भेजोगे या किसी प्रोजेक्ट में भेजोगे तो क्लाइंट को देखने में ऐसा फील होगा जैसे आपने छाप के प्रिंट करके फ़ोटो खींच के आपको भेजा है। तो ये थोड़ा सा आपको विजुअली अच्छा फील होता है देखने में। आपका प्रोजेक्ट देख कर थोड़ा सा अगर लो भी डिज़ाइन है तो देखने बहुत ही अच्छा लगता है। अब ये मोकअप बनता कैसे है, डाउनलोड कैसा, बहुत सारी इसके लिए साइटें, वहाँ से फ्री डाउनलोड भी कर सकते हो। और जैसे ग्राफिक बर्गर, बहुत सारी साइटें, आप नेट पर लिखेंगे मोकअप तो डाउनलोड हो जाएगी। उसको बनाते कैसे हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए JPG आपको नेट से कहीं मिल गया, अब इसको मोकअप बनाना है। अब इसी को मैं बना के दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए इस JPG को हमने फोटोशॉप में खोल लिया, ये हमारा जो ओरिजिनल JPG है इसको हमने यहाँ से बंद कर दिया, ठीक है। अब ये हमारे पास फ्लैट JPG है, सिंगल लेयर है। अब इसको बनाने के लिए क्या करना है कि आपको एक यहाँ पर न्यू लेयर लेना है। न्यू लेयर ले लिया, अब इस पर क्या करना है, आपको फाइल को लेके आनी है। मान लीजिए ये आपकी फाइल है, इसी फाइल को हम लाते हैं दोबारा से, ठीक है। इस फाइल को अब बड़ा कर लो, फिर इसको यहाँ पर ले जाओ, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, ये आएगा डिस्टोर्ट टूल, इस पर क्लिक करो। फिर ये जो यहाँ पे जूम कर सकते हो आप, और ये जो कर्नर है इसको पकड़ के आपको क्या करना है, यहाँ पे मैच करना है इसको, इस तरीके से सारे कर्नर को मैच करना है। देखिए, दूसरी बात ये ध्यान देखिए कि ये जो ऑब्जेक्ट है स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे आप यहाँ प्लेस करेंगे फाइल को तो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। डबल क्लिक करेंगे तो एक अलग से विंडो खुलेगी, वहाँ पे आपको ओरिजिनल फाइल पेस्ट करनी है और अपने आप ही हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ से इसको पकड़िए, और यहाँ से इसको एडजस्ट कर दीजिए। और ये कॉर्नर है, इसको भी यहाँ से पकड़ के एडजस्ट कर दो, ठीक है। ये फ्रंट हमारा हो गया। अब इसका बैक जो है, इस पर फिर एक न्यू लेयर लीजिए, ठीक है। यहाँ फिर आपकी ओरिजिनल फाइल है यहाँ से बैक की,
डबल क्लिक कीजिए, इसको थोड़ा बड़ा कर लो, ठीक है। अब क्या करना है, इसको रिस्टोर टू, इस तरीके से इसको जहाँ से जैसे सेटिंग है वहाँ पे इसको कर्नर से कर्नर मिला दो। ये थोड़ा सिंपल मॉकअप है, बहुत सारे डबलिंग मॉकअप भी आते हैं जो एक बिजनेस कार्ड पे एक बिजनेस कार्ड बहुत सारे रखे होते हैं, तो थोड़ा इससे टफ होता है। ये थोड़ा सिंपल है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको ये बनाना आ गया तो उस पर लेयर को डबल कर करके आप ऐसे भी बना सकते हैं। बहुत सारी होती है डबलिंग वाली। डबलिंग वाली का मतलब ये है कि जैसे देखिए एक बिजनेस कार्ड के ऊपर कई सारे होते हैं, जैसे ये है देखिए, बहुत सारे बिजनेस कार्ड एक के ऊपर रखे हुए हैं, जैसे बहुत सारे लेयर बन जाते हैं, उसी को रिपीट करना होता है लेयर को, और खास नहीं है इसका। जितना आप फिनिशिंग से करेंगे तो जूम करके इसको कॉर्नर को यहाँ पे लेके आ जाइए। कहीं कहीं इसमें और एक तो टूल की ज़रूरत पड़ती है जो रैप टूल होता है, अगर आप कहीं पे कर्व हो रखा है ज़्यादा उस टूल से इसको और इसको सेटिंग सही से कर सकते हैं। यहाँ पे इसको एडजस्ट कर दीजिए, ठीक है। ये आपका बन गया, देखिए यहाँ पे तीन लेयर बन गया, एक बैकग्राउंड का और दो फ्रंट और एक बैक का। इसका नाम भी आप दे सकते हैं, जैसे ये है आपका बैक है तो देखने में आपको सही लगेगा। आप फ्रंट बैक किसी को बना सकते हैं जिसको आपको बनाना है, ठीक है। और इस पर कोई बिजनेस कार्ड डालेंगे तो रिप्लेस हो जाएगा, जैसे हमने इस पर डबल क्लिक किया फ्रंट पे, ठीक है। यहाँ पे आप कोई और बिजनेस कार्ड इस पर डाल के देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा ये डिजाइन है, ठीक है, इसी कंपनी का हमने अलग बना रखा है, इसको ऐसे बड़ा किया, ओपन किया, बंद कर दिया, ठीक है। ये देखिए रिप्लेस हो गया। इस तरीके से बैक में रिप्लेस करना है तो यहाँ पर डबल क्लिक किया, इसको लाया बैक के डिज़ाइन को, इसको थोड़ा बड़ा किया, एंटर मारा, ठीक है, बंद कर दो। ये देखिए फ्रंट और बैक दोनों फटाफट रिप्लेस हो गया, हमें दोबारा से वो सब सेटिंग नहीं करनी पड़ी। तो ये होता है मॉकअप और कैसे बनाते हैं, आपको मैंने शॉर्टकट में बना दिया, और उसके ऊपर और एक दो वीडियो बनाऊंगा बाद में, जो कि क्रिटिकल बहुत सारे कॉम्प्लिकेटिव मॉकअप जो होते हैं कैसे बनाते हैं। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।